यहाँ की गलियों से हम लोग जा रहे थे तो वहाँ एक प्लेस मिला जहाँ पे आप देख लीजिए सब पेंटिंग हाथ से किया गया है। तो अंदर का मैं फुटेज डाल दूंगा, आप देख लेना। जाम कुछ नहीं है भाई, इसको तो धो नहीं सकते ना। ये लकड़ी का है ना पत्थर का है? पानी से करना है, चाय वाय पी सकते हैं। जो साथ में से करें साथ में। किस चीज का बना हुआ है? नहीं का पानी से बना पत्थर धोते हैं वैसे तो ना। आप ये किस का बना हुआ है? ओशन ओशन है ना, पुराने करोड़ वर्ष पुराने पत्थर। यहाँ जितने घर है जैसलमेर में तो वहाँ पे आपने ये गणेश जी का पेंटिंग जरूर देखा होगा। तो इसके पीछे राज क्या है? तो एक्चुअली इसके पीछे राज ये है कि यहाँ पे जब शादी होती है जिस घर में, तो जब शादी होती है उस दिन का डेट लिखा जाता है उस गणेश जी के फोटो के साथ, और वो तब तक उसको नहीं मिटाया जाता है जब तक नेक्स्ट शादी ना हो। ओके, तो इसके पीछे जो रीज़न है यही है गणेश जी के पीछे। तो सामने में जो आप ये दुकान देख रहे हो, ये दुकान ये टी शर्ट्स वगैरह मिल रही है, तो ये टी शर्ट्स पे हैंडमेड पेंटिंग है। अंदर में अंकल जी चीज़ें हैंड से पेंटिंग बनाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट मतलब 500 से स्टार्टिंग है रेंज एक टी शर्ट का, और 1000 रुपये तक जाती है। तो हमें मन था एक लेने के लिए, लेकिन हमारा बजट उतना नहीं है जितना इसका दाम है। तो ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाए देख लीजिए। तो अराउंड 500 से स्टार्टिंग होता है। अंदर में अभी बुद्धा का पेंटिंग चल रहा है। क्या खरीद रहे हो? क्या खरीद रही है? मैग्नेट। इसका दाम कितने बता रहे हैं? 60। कुछ कम नहीं होगा अंकल? कुछ भी कम नहीं होगा? दादा बताते। तो यही है जैसलमेर में खरीदने के लिए, और बहुत कुछ है दिखाएंगे आपको एक एक करके। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है। ओके, ये कितने का है? बड़े वाले वो नहीं देखा क्या? चलो चल के देखते हैं। बैच कितने का रास्ता मतलब? बहुत सारी ले लेंगे, सही बताइए। अच्छा बचा हुआ नहीं, हाथ का थोड़ी है, अब थोड़ी हाथ का बचता है। जी तो आप क्या ले रही है? टोपी। टोपी तो कितना दाम है टोपी का भैया? 100 रुपये फिक्स रेट है। तो शॉपिंग इन जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट में। तो देख लीजिए, हम लोग टोपी खरीद रहे थे, तो टोपी का दाम जो है 600 रुपीज़ है। नो बार्जनिंग, नो डिस्काउंट। ओके, तो शायद ले रही है तो टोपी मतलब इसको 100 रुपये भी ज़्यादा लग रहा है। ये दूध देख लीजिए, ये 40 रुपीज़ ग्लास है यहाँ पे, तो मैं हाफ ग्लास पी रहा हूँ जो कि 20 रुपये का है। दीजिए अंकल, 20 रुपये का हाफ ग्लास। हाफ ग्लास दीजिए, हाफ ग्लास तो 20 का है ना? 20 रुपये छुट्टे हैं भैया, 20 रुपये डाल दीजिए ना सर। जैसलमेर फोर्ट के अंदर एक ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो देख लीजिए यहाँ से जो नज़ारे हैं लिटरली, मतलब थोड़ा और धूप कम रहता तो मज़ा ही आ जाता, पर जो है जैसा है यही है। ओके, तो देख लीजिए जितने मतलब गोल्डन सिटीज को इसलिए बोला जाता है, सुबह सुबह जब धूप आएगी अराउंड 8 बजे तब जो इसकी चमक रहेगी ना, मज़ा ही आ जाएगा देख के उसको।
When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. जैसलमेर फोर्ट को अगर मैं आपको 30 सेकेंड के स्टोरी में बताऊं, 30 सेकेंड के कहानी में, तो जो फोर्ट है इसके अंदर ही एक अपना शहर है. मतलब पहले के जमाना में जो होता था, राजा इसमें रहते थे और राजा के जितने प्रजा लोग थे उनका घर वगैरह सब यहीं पे था. तो पहले तो अगर आपको उसको घूमना है तो ऑलमोस्ट आप 3 घंटे तो लेके चलना अपने हाथों में. और बात रही तो अंदर में कोई फी वगैरह नहीं है. हाँ, अगर आप कोई जैसे मंदिर हो गया, म्यूजियम हो गया, उसके अंदर जाओगे तो पैसा लग सकता है. ओके, तो ये थोड़ा 5 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस में है पूरा जैसलमेर फोर्ट. तो काफ़ी अच्छा है यार. मतलब पुराने आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, पुराने लोग कैसे रहते थे वो देखने को मिलेंगे. ओके, तो हमारा गाड़ी आ चुका है. बाय द वे, मैं आपको बोल रहा था ना फेयर वगैरह, प्राइजेस कहाँ रुके हैं, खाना, शॉपिंग वगैरह. तो हमारा ये 2 गाड़ी है, हम लोग जो बुक किए हैं जो पैकेज, उसमें ये सब इंक्लूड है. तो मैं आपको सब बताऊँगा A to Z. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में. तो हम लोग जो ऑर्डर किए थे चिकन करी और रोटी, बटर चिकन, बटर चिकन था. तो ये बटर चिकन है और ये तंदूरी रोटी. तो टेस्ट के मामले में अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बट ख़राब भी नहीं. आउट ऑफ 3, 7 दिया जा सकता है. और हमारा जो पप्पू दया बनाता है उसको 8 दिया जा सकता है. ओके, हाँ 8 दिया जा सकता है, 9 भी नहीं भाई. इसको 7 या फिर 6 के मामले में आप चल सकते हो. तो यही है. तो मेरे साइड से हैंड्स अप, आप आके खा सकते हो. और वेजिटेरियन का मैं बताता हूँ उससे पूछ के कैसा है. चलिए मिलते हैं आपसे. तो आपने देखा, हमारे दोस्तों ने बोला बहुत ही अच्छा है. तो आप आ सकते हो, नो प्रॉब्लम. मैं पिन पॉइंट कर दूंगा इसका लोकेशन को. बाय द वे, ये सफर का गाना है. यू ही चला चलता है. हाँ, सफर का गाना, मतलब ट्रैवलिंग वाला. चल रहा ही यूं ही चला, चल रहा ही कितनी हसीन है ये दुनिया. बोल सारे हमें देखे तुम लोग, मतलब वो लोग का गाड़ी से आगे ले चलिए ना हम लोग का. अरेबियन नाइट वाला. ये है हमारा इकलौते की मम्मी ने फोन किया था मेरे को. बाय द वे, तो इसका सारा सच्चाई पकड़ा गया. अच्छा अच्छा अच्छा, और बैंक रुक रुक रुक, एक जल्दी दे बे. आप लोग इन गाड़ी में स्पीड नहीं चलाते, इतना स्लो स्लो चलाते हो, मजा ही नहीं आया. और फार बैंक आया है गाड़ी में, खाने से इतना मजा आता है. बेटा सीट पे बैठा उसने, उसने कौन चला था, इतना आस्ते से चला, मजा ही नहीं आया. चेक कर ले. We were traveling long tales just to find the loudest seas. We said look by the fire, no we couldn't. Hello. So how was your experience? How much? So much. On the scale of 1 to 10, how much? 10. Full. क्या यार, इसका मतलब तुम लोग कभी नॉर्थ ईस्ट गए ही नहीं, तभी तक 10 रेटिंग दे दिए इसको. अरे यार, बात कह दी. हम सारे नहीं थे ना इसलिए, लेकिन इसमें हम सारे हैं, इसलिए 10 out of 10. कभी चलो हमारे सिलोन, तब तो 11 रेटिंग तुम लोग देखे. यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह हो गया ना, द थिंग इज द पीपल दैट मैटर. तो ये है अपना श्रीकर. ये हमारे गुरु बॉस
और ये हमारी टॉपर ये हमारी टॉपर है नहीं है नहीं है और ये टॉपर से थोड़ा नीचे है और आज की कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है असली कहानी जो जैसलमेर फोर्ट था वो तो बेकार था ना फोर्ट बेकार नहीं था बट इससे बेकार था बट दिस वाज फन हमें पैराग्लाइडिंग करना है मतलब है वी नीड आज हम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कैसे राइड कर रहे हैं